अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दीवड़। आप सबका मेरे चैनल कायनात दीवड़ में स्वागत है। कैसे आप सब, आई होप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह सुबह ताज़ी हवा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और ये प्लांट्स ने मुझे सिखाया है, क्योंकि प्लांट्स के वजह से मैं छत में आती हूँ, वरना मैं इतनी लेजी थी छत के मामले में, क्योंकि मुझे, मैं छत में आती ही नहीं थी। और जब सोनिया लोग के घर में थी, वहाँ रेंट पे हम लोग थे, वहाँ भी छत में जब कपड़े डालने जाऊँगी तभी जाऊँगी, वरना नहीं जाऊँगी। तो मुझे इतना कहीं निकलना होता नहीं था। लेकिन हाँ, अब ये जो मेरे प्यारे प्यारे से छोटे मोटे से पौधे हैं, वो मुझे छत में बुला ही लेते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी सी हवा खा लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कल क्या लेके आई थी। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कुम्हार के यहाँ से कुछ ले रही थी, तो वो है ये मैं चिड़िया के पानी पीने के लिए लेके आई हूँ। गर्मी बहुत पड़ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ सवाब कमा लूँ थोड़ा सा, ऐसा वाला, चिड़ियों वाला, पंछियों वाला। तो ये मैंने पानी भर के रखा था कल, अभी इसको मैं और भर देती हूँ, तो आएँगी दोपहर में चिड़ियाँ, पी लेंगी पानी। हाय हाय, क्या है भैया ये? मोजीटो चुभती जलती गर्मी। देखो, अरे भैया क्या है ये, व्हाट इज दिस, वाओ यार ये तो बहुत ही अच्छा। रुको रुको, देखने तो दो क्या बनाया है ये इसने, टेस्ट करके बताएं। अरे नर्वस मत रहो तुम। तो फ्रेंड्स, फैज हैं जो बहुत देर से नीचे कुछ कर रहे थे और मुझे नीचे नहीं आने दे रहे थे, और कह रहे थे कि मम्मा आप आइएगा नहीं, आज मैं आपके लिए गर्मी स्पेशल कुछ दूंगा आपको। हाँ तो बताइए क्या लाए हैं आप? ये मोजीटो है। ये मोजीटो तो शर्मा क्यों है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। चुभती जलती गर्मी, अरे स्पून लेकर आया हूँ। जलती गर्मी का मौसम आया, ये तो बहुत अच्छा है। सही सही बताइएगा, क्योंकि फिर अगली बार से और अच्छा बनाऊंगा ना। सही सही बता रही हूँ, दुकान वालों को फेल कर दिया तुमने तो। फ्रेंड्स ये जो भी है, पर ये वो है कौन सा मोजीटो, क्या फ्लेवर है, कुछ बताएंगे? ये खट्टा मीठा मोजीटो है। अच्छा, ये खट्टा मीठा मोजीटो है। तो फ्रेंड्स, इसने जो भी ये बनाया है बहुत ही टेस्टी बना है, और आप लोग आइएगा, मैं आप लोग को जरूर फैज बना के पिलाऊंगा। मैं आप लोग को क्या फैज बना के पिलाऊंगा, नहीं यार अच्छा लग रहा है। तुम्हारे लिए बचाना, इतने नहीं नहीं, मैंने पी लिया नीचे, मैंने पी लिया। और इसने जो डेकोरेट किया वो बहुत अच्छा, जफर मामा को बहुत पसंद आने वाला है, उसको ये सब चीजें अच्छी लगती है, पापा को भी अच्छा लगेगा। हां बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, लाइट भी चली गई है, और देखिए मैं कितना ज्यादा पसीना पसीना हो रही हूँ कि लाइट नहीं है, और अभी मैंने अपना स्किन केयर भी किया जिसलिए और ऐसा चिपचिपा सा फेस हो रहा है, और लाइट भी नहीं है तो और पूरा पसीने में डूब गई हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी में, और ये इतना ठंडा ठंडा, बहुत ही टेस्टी, इसने मुझे आने नहीं दिया, बहुत ही टेस्टी है ये। ऑसम, इसको भी दे दूँ मैं अपने सामने। लो, बहुत अच्छा बनाया है फैज तुमने, पहली बार ही बनाया और बहुत बहुत अच्छा बनाया, पास हो गया। तो वैसे मैं ये सब चीज़ें पीती नहीं हूँ, ये बाहर जाते हैं तो ये कोई इलेक्ट्रिक ग्लू पीते हैं, पर मैं उसका नहीं पीती हूँ। लेकिन ये अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, और वो तो पता चलेगा जब फरीद जी आएंगे, वो भी पियेंगे, सलीम तुमको भी पिलाएंगे, तब पता चलेगा। लेकिन मैं तो बता रही हूँ कि अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। खाला ये कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू खाला, थैंक यू। थैंक यू खाला, खुद जल्दी से गया है करने के लिए कि मम्मी जल्दी से पहले मेरे को दिखाना। तो फ्रेंड्स, आज मेरी फ्रेंड आई है फरा। हेलो।
और फराना आंटी और उनके लिए फैज ने मोजिटो बनाया जो कि फरा को बहुत पसंद आया। हेलो और इसे तो एक को तो सब जानते हैं और तो मोजिटो मैम हां अच्छा अच्छा लगा अच्छा है ना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत मजा आ रहा है बहुत एंजॉय कर रहे हैं अभी से लखनऊ से मिलने और क्या लखनऊ ये लखनऊ में रहती हैं मतलब ससुराल मतलब घर इनका वहाँ पे है और मायका यहाँ पर है फलाना आंटी की बेटी है कितने कौन से नंबर वाली है हेड नंबर वाली है क्योंकि अभी दीदी सबसे मिलवाना है ना इसीलिए बाय अल्लाह हाफिज उमर बाय 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 बाय। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग। मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी फरहा जिससे मैंने आप लोगों को मिलवाया बहुत अच्छी है मेरी जैसी है मेरे जैसे नेचर है उसका बहुत अच्छे नेचर की है वो भी फराना आंटी भी तो अच्छी हैं उनके घर में सब अच्छे हैं मस्त हैं बिल्कुल। तो मेरी दोस्ती तभी तो हुई है ना तो अच्छी है अच्छा लगा मुझे वो आई थी और वो लखनऊ में रहती है तो आना जाना कम हो पाता है और जब वो यहाँ आती है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ तो इसलिए अभी तक वो आज वो पहली बार घर पर आई है क्योंकि हर बार ऐसा हो रहा था कि जब वो यहाँ आती थी तो मेरे मायके जाने का टाइम हो जाता था तो इस बार तो खैर मैं गई नहीं हूँ गर्मी की छुट्टियों में तो वो यहाँ पर आई थी तो बस उसके साथ अच्छा लगा। आज आंटी भी आई थी कोई आता है तो अच्छा लगने लगता है ना। और तुम्हारा खाना नहीं खत्म हुआ अभी देख कैसे रहा है और खाने में मैंने बनाया था आलू का पराठा जो कि फराज ने अभी तक खत्म नहीं किया है हो गया है फराज को खाने के लिए कह दो ना तो बड़ा स्लो हो जाता है इसलिए मैं खिलाती हूँ लेकिन आलू का पराठा तो कुछ उसमें सब्जी तो लगानी नहीं है इसलिए खाओ भैया तो इसने लेट तो अभी तक इसका खाना चल रहा है। और फैज को पता नहीं क्या हो गया नज़र लग गई क्या हाँ मोजिटो तो मैं भूल गई मोजिटो इतना अच्छा बनाया फैज ने सो गया है बच्चा मेरा सो गया है उस पता नहीं क्यों एकदम ही शाम से जब से फरा लोग गए उसके बाद से एकदम ही सुस्त हो गया आज खाया भी नहीं उसने खाना ठीक से वरना उसका तो फेवरेट है आलू का पराठा और मैंने उसी के चक्कर से बनाया कि अच्छे से खा लेगा तो ठीक से नहीं खाया और कह रहा मम्मी मुझे तबीयत सही नहीं लग रही है और मैं लेट रहा हूँ तो वो सो गया जल्दी नहीं तो इतनी जल्दी कहाँ सोता है। और उसने वाकई पहली बार बनाया था और बहुत ही अच्छा मोजिटो बनाया था उसने और फरहा लोग के लिए भी उसी ने बनाया मतलब पहले से मुझे बोल दिया था जैसे उन लोग के आने का हुआ आंटी ने फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं तो कह रहा मम्मी मैं उनको मोजिटो बना के बुलाऊँ तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है बनाओ और अगर मैं उसको बोलती कि नहीं नहीं पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा तो उसको लगता कि मम्मी को पसंद नहीं आया था लेकिन नहीं वाकई में दिन में बहुत अच्छा बना था जिसकी वजह से मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नहीं अच्छा बना था तो तुम बना लो और उन लोगों को दो। तो इसने उन लोगों के लिए मोजिटो बनाया था जो कि फरहा को बच्चों को आंटी को बहुत पसंद आया है तो चलो अच्छा है कुछ नई नई चीज़ें अगर बच्चे सीखते हैं तो। और मैं तो चाहती हूँ कि इन्हें सब कुछ आए मैं लड़का लड़की वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ लड़कों को भी सब कुछ आना चाहिए लड़कियों को भी सब कुछ आना चाहिए तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि फैज़ को सब कुछ आए और वो बहुत ही अच्छा नेक बच्चा बने कि उसे हर चीज़ आए। ये जो होता है ना कि लड़के ये नहीं कर पाते वो नहीं क्यों नहीं कर पाते भाई वही दो हाथ तो लड़कियों के भी हैं वही दो हाथ लड़कों के भी हैं तो सीखो करो। और पता नहीं कब कैसा किसके ऊपर वक्त पड़ जाता है कब कहाँ करना पड़ जाता है अब इनकी बहन तो है नहीं जो करके देगी इनको तो। और उसको शौक भी है वो कहता भी है कि मम्मा मुझे बता दो मैं करूँगा तो अभी फिलहाल वो क्या क्या कर लेता है आज मोजिटो बना लेता है ब्रेड ऑमलेट बना लेता है खाली ऑमलेट बना लेता है और मैगी बना लेता है इप्पी तो उसका फेवरेट है इप्पी बना लेता है और क्या हाँ चाय भी बनाने लग गया है कॉफ़ी बनाने लग गया हाँ मेरी तरह वो डलगोना कॉफ़ी नहीं बना पाता क्योंकि अभी मैंने वो सिखाई भी नहीं है उसमें काफ़ी मेहनत लगती है तो मैंने वो नहीं उसको सिंपल कॉफ़ी बनाना बता दिया है तो वो कॉफ़ी बना लेता है और क्या कर लेते हैं इतनी सारी चीज़ें तो बना लेता है काफ़ी कुछ है ना तो वो भी कर लेता है। और बाकी माशाल्लाह घर की ड्यूटीज में उसकी मैंने ड्यूटी बांट रखी तो सुबह बेड बनाता है जब हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो ब्लैंकेट सब फोल्ड करता है वही अभी छुट्टियां चल रही है तो इसलिए स्कूल के टाइम पे तो भागता था लेकिन फिर भी मैं सिखाती थी कि अपने कपड़े रख के जाओ तो बेड बनाता है ब्लैंकेट फोल्ड करके रखता है माशाल्लाह। और क्या करता है हाँ कूलर में पानी भरता है अपनी ड्यूटी से बॉटलें भरता है वो भी आपकी पिलो रखते हैं पिलो हाँ मेरी पिलो क्योंकि मैं अपनी पिलो मैं ही यूज़ करती हूँ वो बेड के साथ की नहीं है अलग से ली थी मैंने सॉफ्ट वाली तो मेरी पिलो वो अंदर दीवान में डाल देता है अपना तो। और डस्टिंग क्लीनिंग भी करता है मतलब अगर अगर फ्री नहीं है तो वो तो मैं करूँगी
लेकिन अगर कभी फ्री होता है अपनी मर्जी से वो डस्टिंग क्लीनिंग भी कर ही लेता है। तो माशाल्लाह, और अब तो साइकिल जब से आई तो थोड़े बहुत घर के बाहर के भी काम कर लेता है, तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर लेता है मेरा बच्चा। और मुझे बहुत सारा चाहने वाले मेरे रिश्तेदार हों, ये मत बोलने लग जाना कि अरे बच्चे से करा रही है, ऐसा नहीं होता है, सबको सिखाना चाहिए काम। तो बस मेरा बच्चा माशाल्लाह कर लेता है, ये बहुत अच्छी बात है। और जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर बिजी हो जाना है उनको, तो ये सब चीज़ें बच्चों से बच्चों को सिखानी चाहिए। प्रेशर वाला नहीं कि ये कर नहीं करना है, ऐसा नहीं, प्रेशर वाला नहीं, लेकिन हाँ उनको आना चाहिए, उनको एक जिम्मेदारी होनी चाहिए सर पे कि हाँ हमें कुछ करना है। तो ये इतना सब कुछ कर लेता, बाकी तो पढ़ाई चली रही है उसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी तारीफें हो गई हैं उसकी, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।